नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बच्चों का बहुत ही पसंदीदा डोरा केक। बहुत ही कम चीज़ों से और बहुत ही कम समय में हम ये डोरा केक घर में बनाने वाले हैं। आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब हम ये डोरा केक घर में बनाते हैं बहुत ही आसानी से। ओरियो के पैकेट को हम तोड़ के उसके अंदर के बिस्किट हम निकाल लेंगे एक बाउल में, और बिस्किट को हम खुला करेंगे और उसके अंदर जो क्रीम रहती है उसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे और बिस्किट को हम एक बाउल में निकाल के रखेंगे। इस तरह हम एक एक बिस्किट को निकाल निकाल के उसके अंदर की क्रीम एक बाउल में और बिस्किट दूसरे बाउल में निकाल के रख लेंगे। बिस्किट और क्रीम का हम अलग अलग यूज करने वाले हैं आगे चल के। ये देखिए, इस तरह हमने क्रीम को एक बाउल में निकाल लिया है और बिस्किट को हमने अलग एक बाउल में निकाल के रख लिया है। मिक्सर का जार लेंगे, उसमें हम ये बिस्किट को तोड़ के इसमें डालेंगे, टुकड़े करेंगे हम बिस्किट के। सभी बिस्किट को हम इस तरह तोड़ के ये मिक्सर के जार में डाल देंगे। अब ये बिस्किट को हम मिक्सर के ऊपर में पीस लेंगे। ये देखिए, इस तरह पीस कर हमने बिस्किट का पाउडर बना लिया है। ये पाउडर को अभी हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये पाउडर में हम 1 चम्मच शक्कर डालेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और इसको हम चम्मच से मिक्स कर लेंगे। दूध हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, एक साथ में पूरा दूध नहीं डालेंगे। इस तरह हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और चम्मच से हम इसको मिक्स करते जाएंगे। जितने दूध की हमें ज़रूरत गिरेगी उतना ही हम दूध थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और चम्मच से हम इसको मिक्स करते जाएंगे इस तरीके से। अभी हम इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालेंगे। बेकिंग पाउडर की जगह पे आप इसमें थोड़ा सा इनो डाल सकते हो। आपने इसमें बेकिंग पाउडर या इनो नहीं भी डाला तो भी हमारा ये केक मस्त फूल सकता है, क्योंकि ओरियो बिस्किट में पहले से जो बेकिंग पाउडर डाला रहता है। ज़्यादा स्पंजी बनाने के लिए मैं इसमें बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। इस तरीके का बैटर हमें ये डोरा केक तैयार करने के लिए बनाना है। देख सकते हैं आप, गैस पर तवा रखेंगे, उसमें थोड़ा सा तेल डाल के उसको अच्छे से फैला लेंगे। हमें 1 चम्मच भर के ये मिश्रण लेना है और इसको हमें धीरे धीरे करके एक ही जगह पर ऐसे डालना है। देख सकते हैं आप, गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और 2 मिनट हम इसको ऐसे ही रख देंगे। ये देखिए, अभी इसमें बबल्स आ गए हैं। अभी हम इसको पलट लेंगे। इसे पलट के हम इसको अभी दूसरे भाग से भी हम पका लेंगे। देख सकते हैं आप, गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। मीडियम फ्लेम में ही हमें इसे पकाना है, नहीं तो हमारा ये केक जल सकता है। ये देखिए, ये हमारा केक दोनों भाग से पक चुका है। अभी हम इसको निकाल लेंगे। दूसरा केक भी हम अभी बना लेते हैं। 1 चम्मच बैटर लेंगे और उसको हम धीरे धीरे करके इसमें डाल देंगे। धीरे धीरे करके इस तरह डाल देंगे। देख सकते हैं आप, मीडियम फ्लेम में हम 2 मिनट इसको ऐसे ही पका लेंगे। ये देखिए, अभी बबल्स आ गए हैं। अभी हम इसको पलट लेंगे और दूसरे भाग से भी हम इसको पका लेंगे। देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये अभी हमारा केक अभी बन के रेडी हो चुका है। अभी हम इसको निकाल लेंगे। देख सकते हैं आप, बिस्किट के अंदर जो क्रीम निकाल के रखे थे उसमें हम 1 चम्मच दूध डालेंगे और उसको हम इस तरह चम्मच के मदद से इसको फेंट लेंगे। इस तरह फेंटते जाएंगे हम एक क्रीम को। इस तरह फेंट के हमने इसको इस तरह स्मूथ बना लिया है। देख सकते हैं आप, इस तरह हमें ये क्रीम को फेंट फेंट के स्मूथ बनाना है। हमने जो डोरा केक बना के रखे है उसके ऊपर हम ये क्रीम को अभी लगा देंगे। एक हम केक लेंगे, उसके ऊपर में ये क्रीम को ऐसे चम्मच की मदद से इस तरह हम फैला लेंगे।
पूरे केक के ऊपर हम ये क्रीम को फैला लेंगे। और अभी हम इसके ऊपर में ये केक रख लेंगे, दूसरा जो हमने बना के रखा है। ये देखिए बीच में हमने क्रीम डाल दिए है। अभी हम इसको हाथों से इस तरह ऐसे दबा दबा के इसको हम पूरे इसको पैक कर लेंगे। ये देखिए इस तरह हमने केक बना के रेडी कर लिए है। एक केक मैं आपको काट के दिखाती हूँ। चाकू की मदद से हम इसको बीच में से इस तरह काट लेंगे धीरे धीरे करके। ये देखिए कितना मस्त स्पंजी बना है, देख सकते हैं आप। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।